बन गई है, फिर से नायाब सैनी की सरकार बनी है, लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, जैसा कि हरियाणा के इतिहास में पहला कभी नहीं हुआ था। लेकिन मंत्रिमंडल का क्या हुआ, कौन कौन मंत्री बना, मंत्रिमंडल के जरिए किन समीकरणों को साधने की कोशिश हुई है, ऐसे कितने किस्मत वाले निकले जिन्होंने पहली बार विधायक बनते ही मंत्री पद की कुर्सी भी हथिया ली, और कौन लाख हाथ पांव मारने के बाद भी मंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सका, लेकिन क्यों, पहले ये रिपोर्ट देखिए। सैनी की नई सरकार में किसका दबदबा, मंत्रिमंडल में किसकी कितनी हिस्सेदारी, मंत्री पद की रेस में कौन किस पर पड़ा भारी। हरियाणा में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार का शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक रहा। नायब सिंह सैनी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण के साक्षी बने। इनके अलावा प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी के इस शपथ ग्रहण समारोह में 18 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। इतनी बड़ी संख्या में जनसमूह, जो आज लाखों की संख्या में जनसमूह ने इस पल का जो आनंद लिया है, और एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति में जो हरियाणा की जनता का प्यार और प्रेम लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसा है, ये उसकी जीत है, लोगों के प्यार और प्रेम की जीत है, मोदी जी की नीतियों की जीत है। 28 साल पहले 1996 में सियासत की रिंग में कूदे नायब सिंह सैनी को बीते 10 सालों में ही हर बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 2014 में पहली बार नारायणगढ़ से विधायक बने, 2019 में कुरुक्षेत्र सीट से जीतकर संसद पहुंचे, 12 मार्च 2024 को पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और 7 महीने 5 दिन बाद 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। पंचकुला के शालीमार गार्डन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। जिनमें से 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि महिपाल ढांडा को छोड़कर पिछली सैनी सरकार में कोई भी मंत्री नहीं था। हालांकि इनमें से 5 खट्टर सरकार में मंत्री रह चुके हैं और 7 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के जरिए जातीय समीकरण को साधने की भी सधी हुई कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री सहित 5 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, 2 दलित, 2 जाट और 2 ब्राह्मण मंत्री बनाए गए हैं, 1 पंजाबी, 1 वैश्य और 1 राजपूत को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अब देखिए कि मुख्यमंत्री सहित 5 ओबीसी मंत्री कौन कौन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सैनी समुदाय से आते हैं, जो इस बार लाडवा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके रणवीर गंगवा कुम्हार जाति से हैं, जो बरवाला से विधायक हैं। पहली बार मंत्री बने राजेश नागर गुर्जर जाति से हैं, जो तिगांव सीट से विधानसभा पहुंचे हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। राव नरबीर सिंह यादव जाति से हैं, 2014 से 2019 तक खट्टर सरकार में मंत्री थे, बादशाहपुर से छठी बार विधायक बने हैं। अटेली से पहली बार विधायक और फिर मंत्री बनी आरती राव भी यादव जाति से हैं, जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी हैं। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल 2 दलित चेहरे हैं, कृष्णालाल पंवार और कृष्ण कुमार बेदी। कृष्णालाल पंवार राज्यसभा सांसद रहे, इसराना सीट से जीते और छठी बार विधायक बने। पंवार 2014 से 2019 तक मनोहर लाल खट्टर की सरकार में भी मंत्री थे। वहीं इस बार नरवाना सीट से जीत कर आए कृष्ण कुमार बेदी भी 2014 से 2019 तक मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री थे। 2019 में चुनाव हार गए थे तो खट्टर ने उन्हें अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया था।
वहीं मंत्रिमंडल में शामिल किए गए दो ब्राह्मण चेहरे डॉक्टर अरविंद शर्मा और गौरव गौतम है। हुड्डा के गढ़ गोहाना से जीत कराए डॉक्टर अरविंद शर्मा चार बार सांसद रहे हैं। वहीं पहली बार परवल से विधायक बनने के बाद राज्य मंत्री गौरव गौतम भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल जैन के निजी सचिव रह चुके हैं। मंत्रिमंडल में जाट चेहरे के तौर पर महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी को जगह दी गई है। पानीपत से तीसरी बार विधायक बने महिपाल ढांडा पिछली सैनी सरकार में भी मंत्री थे। वहीं तोशाम से पहली बार विधायक और फिर मंत्री बनी श्रुति चौधरी राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं। मंत्रिमंडल में पंजाबी समुदाय से अनिल विज को जगह मिली है। अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज खट्टर सरकार में 2014 से मार्च 2024 तक 9.5 साल तक मंत्री रहे। 7 बार के विधायक अनिल विज प्रदेश में बीजेपी के सबसे सीनियर नेता हैं, जिन्होंने खुलकर सीएम पद पर भी दावेदारी की थी। मंत्रिमंडल में वैश्य समुदाय से विपुल गोयल को जगह मिली है। फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल खट्टर सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। वहीं राजपूत जाति से श्याम सिंह राणा को मंत्री बनाया गया है। रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा पहली बार मंत्री बने हैं। अपनी सरकार को 36 बिरादरियों की सरकार बताने वाली बीजेपी ने मंत्रिमंडल के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। अंकित उदानी, न्यूज 18 हरियाणा। और इसी के साथ देश और दुनिया की खबरों में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मारो राज्य।